हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारा एकदम प्लान बना अमृतसर जाने का और हम फटाफट रेडी हो गए। तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि शादी के बाद ये पहला ट्रिप है हमारा ऐसे साथ में और हम काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं अपना पूरा ट्रिप। तो घूमने जाओ और भूख ना लगे, क्रेविंग्स ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम मैकडी पे गए और हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हम सुबह सुबह निकल गए थे घर से इसलिए। तो वहाँ से हमने फ्राइज़ ली, मैक पफ लिया, बर्गर लिया और सब ने इंजॉय किया और थोड़े से स्नैक्स भी लिए एंड सम कोल्ड ड्रिंक्स। एंड फ्राइज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम आगे रास्ते पर निकल पड़े अपने एंड ऑलमोस्ट हम अमृतसर पहुँच चुके हैं। सो हम होटल पहुंच चुके हैं और ये रूम हमने बुक किया था, ये रूम टूर है और इसकी भी स्टोरी मैं आगे बताऊंगी कि वैसे तो हमने वन डे के लिए बुक किया था बट हम वन डे भी नहीं रुके यहाँ पे प्रॉपर। तो उसकी पूरी स्टोरी आपको पूरे व्लॉग में पता लग जाएगी, सो स्टे ट्यून्ड। सो थोड़ा हम फ्रेशन अप हुए रूम में एंड उसके बाद बाहर आ गए बिकॉज बहुत बहुत भूख लग रही थी। तो हमने सोचा चलो ये ट्राई करते हैं जो भी ऑथेंटिक फूड है वहाँ का। तो ये भीगा कुलचा हमने ट्राई किया और जो कि अच्छा था, आपको भी ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद हम जाके देख रहे थे गोल्डन टेम्पल, तो बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ पर। होली फेस्टिवल भी नियर था और सैटरडे संडे की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, नॉर्मल डे से कंपैरेटिवली बहुत बहुत ट्रैफिक था। उसके ट्रैफिक में इतनी देर हो चुकी थी कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और हमें बहुत बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। प्रॉपर अपना फूड खाया हमने, डिनर किया और जो कि बहुत बहुत यमी था। एंड उसके बाद हम होटल वापस चले गए थे डिनर करने के बाद बिकॉज हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे ट्रैफिक की वजह से। और उसके बाद हमने प्लान बनाया कि चलो अब फाइनली हम चलते हैं गोल्डन टेम्पल। और हम रेडी हुए और हमने एक ऑटो की बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और कार लेके जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तो हमने काफ़ी इंजॉय की अपनी राइड जैसे कि आप देख ही सकते हो वीडियो में। और हम फाइनली वहाँ पर पहुँचे गोल्डन टेम्पल में। तो ऑलरेडी रश रहता ही है बट आई थिंक फेस्टिवल और वीकेंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश था, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, उससे ज़्यादा ही वहाँ पर रश था। मैं पहले भी गोल्डन टेम्पल आ चुकी हूँ बट तब भी बहुत ज़्यादा रश था और बाहर से ही मैंने दर्शन कर लिए थे। और इस बार भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अंदर जा पाऊँ बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा रश था। बट कोई बात नहीं, जब होगा तब होगा। अभी बहुत स्पेशल था गोल्डन टेम्पल आना क्योंकि अब मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम आ रही थी और मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल था। लाइन में लगना पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो हमने बाहर से ही दर्शन किए, बहुत अच्छा लग रहा था व्यू, बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। तो बस थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ हमने स्पेशल कुल्फी खाई, इंजॉय किया एंड उसके बाद हम वापस आ गए क्योंकि हमने सारा देख लिया था, हमने इंजॉय कर लिया था। एंड आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।